अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 50 साल बाद एक बार फिर से इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी पूरी कर ली। नासा आज यानी 2 सितंबर को रात 10:18 पर अब तक का अपना सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगा। ये नासा के आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है। ये इस रॉकेट का पहला मिशन है जिसमें कोई अंतरिक्ष यात्री सवार नहीं होगा। अगर ये मिशन कामयाब रहता है तो भविष्य में इस रॉकेट से अंतरिक्ष यात्री भी मिशन पर जा सकेंगे। आइए जानते हैं इस मिशन के बारे में सब कुछ। 50 साल बाद चांद पर कदम रखेगा इंसान। आधी सदी बाद इंसानों को चांद के सफर पर ले जाने की तैयारी। चंद्रमा तक जाएगा अंतरिक्ष यान। छोटे उपग्रहों को कक्षा में छोड़कर खुद कक्षा में स्थापित हो जाएगा यान। नासा का फोकस अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव की जांच करना है। नासा के आर्टेमिस 1 मिशन के तहत लॉन्च करेगा रॉकेट। चंद्रमा की कक्षा में एक खाली क्रू कैप्सूल भेजने के लिए तैयार है। हैवी लिफ्ट का है आर्टेमिस 1 रॉकेट। आर्टेमिस 1 मिशन के तहत अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट की लॉन्चिंग होगी। इसमें अब तक के रॉकेट्स के मुकाबले सबसे शक्तिशाली इंजन लगे हैं। ये रॉकेट चांद तक जाएगा और छोटे उपग्रहों को कक्षा में छोड़कर खुद कक्षा में स्थापित हो जाएगा। नासा का फोकस अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव की जांच करना है। आर्टेमिस मिशन में कितना खर्च आएगा? नासा ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल के एक ऑडिट के मुताबिक 2025 तक इस प्रोजेक्ट पर 7,434 अरब रुपए का खर्च आएगा। वहीं हर फ्लाइट 327 अरब रुपए की पड़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिशन को लॉन्च करने से पहले की लागत ही 159 अरब रुपए के करीब। अपोलो 17 मिशन से इंसान ने रखा था चांद पर कदम। अपोलो मिशन की नींव अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जेएफ कैनेडी ने रखी थी। उनका मकसद सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा नहीं था, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में अमेरिका को दुनिया में पहले स्थान पर स्थापित करना था। हालांकि 50 साल में टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बदल गई। अब नासा का टारगेट पृथ्वी के बाहर की चीजों को अच्छी तरह एक्सप्लोर करना है। चांद पर जाकर वैज्ञानिक वहां की बर्फ और मिट्टी से ईंधन और खाना और इमारतें बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। 6 हफ्ते की रहेगी परीक्षण उड़ान। जोखिम होने पर उड़ान की अवधि की जाएगी कम। 2024 में हो सकती है आर्टेमिस 2 की लॉन्चिंग। आर्टेमिस 2 में एस्ट्रोनॉट भी जाएंगे। चांद के ऑर्बिट में घूमकर वापस आ जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स। आर्टेमिस 2 मिशन में ज्यादा होगा टाइम पीरियड। इसके बाद रवाना होगा आर्टेमिस 3। इसमें जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स रखेंगे चांद पर कदम। 2030 के आसपास लॉन्च हो सकता है आर्टेमिस 3। ये उड़ान करीब 6 हफ्तों की रहेगी। हालांकि नासा के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जोखिम अधिक होने पर उड़ान की अवधि को कम किया जा सकता है। इस मिशन के बाद 2024 में आर्टेमिस 2 की लॉन्चिंग हो सकती है। इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे, लेकिन वे चांद पर कदम नहीं रखेंगे। वे सिर्फ चांद के ऑर्बिट में घूमकर वापस आ जाएंगे। हालांकि इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। इसके बाद फाइनल मिशन आर्टेमिस 3 को रवाना किया जाएगा। इसमें जाने वाले अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेंगे। ये मिशन 2030 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। ये सभी चंद्रमा के साउथ पोल में जाकर पानी और बर्फ की खोज करेंगे। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootr.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000002414 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।